आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ शिकायतों की फेरिस्त बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स आम्रपाली के जो उन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए हैं, और आज आम्रपाली के कैसे ग्राहक हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर यूनिस माजिद खान, सर स्वागत है आपका रियलिटी मीडिया में। सर पहला मेरा सवाल आपसे ये कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में घर खरीदा था? सर आम्रपाली सर ये मेरा नाम है। सर कौन से साल में घर खरीदा था? 2012 में। सर तो सर अब वहाँ की सिचुएशन क्या है? सर सिचुएशन तो इट्स एज इट इज, जैसे था वैसे बड़ा सही है। जो 2013 में देखा गया था इनिशियली देयर वाज अ वर्क वाज सीन इन आवर टावर्स, मेरा टावर एच में है 1701 यूनिट नंबर, तो बट अभी भी वो वही 5-6 फ्लोर पे आता हुआ जो तब था वो सीन। तो सर आपने ये फ्लैट किसके थ्रू खरीदा था? क्या कोई इन्वेस्टर क्लिनिक था या फिर कोई डायरेक्टली फ्रॉम द आम्रपाली ऑफिस, आम्रपाली बिल्डर्स से? उस टाइम आम्रपाली वेरोना हाइट्स में जब घर खरीदा था तो आपको क्या क्या वादे करे गए थे? सर इट विल बी कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा विद इन 3 इयर्स ऑफ टाइम, एंड वी गेट नोइंग कि बिल्डर बहुत बढ़िया है, अच्छा है, वी गिव द गुड कोट्स फॉर द बिल्डर के नाउ इट इज एंड आई हैव फॉर द सेम थिंग व्हिच आर अच्छा बिल्डर नाम है बढ़िया है, तो वी गो फॉर विद बस से सेट कि 3 साल के अंदर तो दिया जाएगा प्रोजेक्ट आपको, आपका यूनिट आपको मिल जाएगा विद इन 3 इयर्स, एंड उसमें सब कुछ अपने एमिनिटीज होंगी, क्रिकेट कोर्ट एंड अदर स्विमिंग पूल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जिसके वो सब होगा, सब फैसिलिटी दी जाएगी। इट वॉज ऑल्सो डेट इन द डॉक्यूमेंट्स एज वेल। तो सर आज की डेट में 2017 में अब बिल्डर्स का क्या है आपसे? अभी तक तो बस वही है, आप दे आर रोलिंग ऑन कि आप 2020 में होगा, 2018 में पहले 2017 का कहा था, अभी पीछे इसके बाद जो समय चला है क्योंकि काफ़ी लोग उसमें फंसे पड़े हुए हैं, ग्रुप्स भी बने हुए हैं, दे आर उसमें बार बार उनसे बात करनी चलेंगे ऐसा कुछ है, तो नथिंग वेरी स्लो प्लेस में गया था, तो एक बार साइट विजिट कराया हमने, पाँच छः रुपये ही आर्डर हुआ है, उनसे बात करते हुए तो अरे सर वो तो 10 रुपये हो गया आपका, तो करंट ग्राउंड रियलिटी ये कि अभी तक 5 ही बनाए और डेवलपर्स बोल रहे हैं कि ज़्यादा बन गया, 10 माले तक बन चुके हैं। पीछे बात हुई थी तो जब तो बस हो गया है, 10 पे चल रहा है, बहुत चल रहा है। आखिरी बार आप कब गए थे साइट पे देखने के लिए? आई थिंक सो 4 मंथ्स बैक। तो सर आपका ये पेमेंट प्रोसीजर क्या था? क्या आपने कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट था या वन टाइम पेमेंट? कंस्ट्रक्शन लिंक। तो सर आप बैंक लोन भी ले रहे हो? डेफिनेटली इट्स ऑन हाउ मच आर यू ऑन बैंक लोन? यार उसमें ईएमआई जा रही है, मंथली ईएमआई जा रही है रेगुलर। तो सर विद इंटरेस्ट जी। तो सर अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि अब इतना समय हो चुका है, आपको अभी तक घर नहीं मिला है? मैनी ऑफ अस कई लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे वो भी बॉयज बाकी भी मिल रहे हैं, आल्सो थिंकिंग अबाउट फॉर गोइंग लीगल्स एंड अदर थिंग्स, दैट इज सीइंग व्हाट विल व्हाट व्हाट विल बी डन इन दिस थिंग। और मैं तो चाहता हूं कि मुझे वापस ही मेरा पैसा मिल जाए। सर करीबन आप कितने लोग होंगे जब फंसे होंगे आपका वाली करना है? आई थिंक सो मोर देन 600-700 पीपल आर देयर, मोर देन दैट। तो सर आप रियलिटी मीडिया तक कैसे पहुंचे? आई जस्ट सर्च सर्च गूगल में देखा, देखा कैसे हाउ टू गेट हेल्प फ्रॉम समवन, तो रियलिटी मीडिया का देखा, आई गॉट रिसर्च गुड रिजल्ट्स फ्रॉम योर साइट इन हेल्पिंग पीपल हु आर जस्ट इन इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, so I found it on the Google and came to your address and talked to your CEO. There's a and hope कि मुझे कुछ मिल जाए कि because the hard earned money है, we are not having some ऐसा कोई पेड़ से पैसे उतर रहे होते हैं. I hope that you people will help me in getting your process. You will help in getting the read up. Thank you. I'll be very thankful to you. थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। इसी कड़ी में रियलिटी मीडिया की टीम सोमवार को आम्रपाली वेरोना हाइट्स की साइट पर जाएगी और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी आप सबके सामने लेके आएगी और कोशिश करेगी कि डॉक्टर माजिद के साथ जो बाकी 600-700 लोग फंसे हुए हैं उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचे। रियलिटी मीडिया के लिए अनुराग दास गुप्ता की रिपोर्ट।